हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अश्वमेघ विद्यालय। फ्रेंड्स, इन लास्ट क्लास वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक ऑब्जेक्ट ड्राइंग। इन दैट वी हैव स्टडीड पर्सपेक्टिव एंड मेजरमेंट। टू ड्रॉ एनी ऑब्जेक्ट ड्राइंग, हाउ यू हैव टू टेक पर्सपेक्टिव एंड मेजरमेंट दैट यू हैव सीन, एंड विद दैट here are some examples given of light and shade that also you have studied. Now today we are going to draw one object drawing. So everyone, open your page number 13. Let's start. An object drawing of the articles like a bucket, a low case, a low seat, tumbler and soap case is drawn in light and shade with pencil above. Draw the same picture in the blank space given on the right side. Show light and shade with a pencil in it. So friends, here as you can see, there are four articles are arranged in a group and then shading also given. So this object drawing you have to finish with light and shade with pencil only. Okay, तो बच्चों first अगर आप देखो तो ये जो सारा arrangement है that is below your eye level, यानी कि आपकी eye level से थोड़ा नीचे है, right? That's why you can see this portion of the bucket, right? आप देखो तो जो soap case है वो भी आपको slant दिख रहा है, and tumbler का भी आप देखो तो अंदर का portion आपको दिखाई दे रहा है, right? Then after, to draw, first you have to see the measurement, right? तो सबसे बड़ा object आपको दिख रहा है, that is bucket, right? Then after आप low seat देखो तो उसकी आपको length देखनी है, तो किसी एक object के proportion में दूसरे object का भी आपको measurement ध्यान में रखना है। Then after आप देखो तो soap case and tumbler वो दोनों bucket के थोड़ा सा नीचे है, right? तो थोड़े आगे। So first you have to start with rough drawing. तो सबसे पहले हम draw करेंगे low seat, right? तो आपको क्या करना है, अगर हम same drawing करना चाहते तो आपको first low seat का जो upper line है उसको आपको draw करना है, then after लोअर लाइन, राइट? देन यू हैव टू जॉइन दिस लाइंस विथ स्लैंट लाइंस। After that, अगर आप देखो तो जो बकेट है वो थोड़ा सा राइट साइड पे है, राइट? तो आपको जितना ये मेजरमेंट है उतना आपको छोड़ना है। देन आफ्टर बकेट की स्टार्टिंग लाइन आपको ड्रॉ करनी है, तो उसकी हाइट और नीचे की जो लाइन है तो इतने पोर्शन में बकेट आएगा, राइट? देन आपको जस्ट रफ लाइन ड्रॉ करनी है, सेंटर लाइन आपको ड्रॉ करनी है फर्स्ट, तो जितना ये मेजरमेंट है तो राइट साइड भी उतना आपको लेना है, लाइक दिस।
सो फर्स्ट ऐसे आपको रफ ड्राइंग से स्टार्ट करना है, देन आफ्टर सो केस तो इतने पोर्शन में सोप केस आएगा। यू हैव टू जस्ट स्पेसिफाई फर्स्ट स्पेस, देन टम्बलर। तो आप देखो तो टम्बलर और सोप केस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा ही ऊपर नीचे है। आप देखो तो इतने पोर्शन में टम्बलर आएगा, राइट। सो सबसे पहले ऐसे आपको स्पेस ऑक्यूपाई करनी है। अगर आपको ये अरेंजमेंट परफेक्टली लगता है, देन आफ्टर ओनली यू हैव टू स्टार्ट ड्राइंग परफेक्टली, ओके। तो अब हम स्टार्ट करेंगे विथ बकेट। तो आप देखो तो बकेट का ये पोर्शन स्लाइट कर्व लाइन, देन आफ्टर अब दूसरा ऑब्जेक्ट लेंगे हम,
तो सोप के स्टडी है, देन आफ्टर टम्बलर। इसके बाद जो एक्स्ट्रा लाइंस है उसको रब करनी है। तो बच्चों इसके बाद जो एक्स्ट्रा लाइन्स है दैट यू हैव टू रब तो ऐसे वन बाय वन आपको देन ऑब्जेक्ट्स को कंप्लीट करना है विद परफेक्ट लाइन्स। धीरे धीरे आपको शेप देना है सब ऑब्जेक्ट को। तो बच्चों आपको भी ऐसे ही फर्स्ट ड्राइंग करना है, सो आप देखो तो हो सके उतना परफेक्ट मेजरमेंट के साथ हमने कॉपी किया है। तो बच्चों आपको भी ऐसे ड्राइंग कंप्लीट करना है एंड देन इन नेक्स्ट वीडियो वी विल completed with pencil shading. So I hope you will enjoy your work. Thank you.